नीमच नगर पालिका में लोक निर्माण सभापति और पार्षद मनोहर मोटवानी आज अपने वार्ड में स्थित डे केयर सेंटर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मनोहर मोटवानी ने सीनियर सिटीजन से डे केयर सेंटर में आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा की। यहां उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों ने बताया कि डे केयर सेंटर के परिसर में आए दिन असामाजिक तत्व रात्रि समय में प्रवेश कर नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इसके अलावा शौचालय में पानी की समस्या, सफाई व्यवस्था के बारे में चर्चा की, बाउंड्री वॉल ऊंची कराने की बात कही। सीनियर सिटीजन ने बताया कि बारिश में डे केयर सेंटर की छत से पानी टपकता है। समस्याओं से अवगत होने के बाद मनोहर मोटवानी ने वरिष्ठ नागरिकों को आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ पार्षद आलोक सोनी भी मौजूद रहे। मेरे साथ पेंशनर संघ के अध्यक्ष भी हैं और पार्षद महोदय आलोक जी सोनी भी हैं। आज डे केयर सेंटर मेरे वार्ड का है और मैं यहाँ पे निरीक्षण करने आया कि जो वरिष्ठ जन यहाँ पर आते हैं उनको क्या क्या यहाँ पर समस्याएं आती है। बहुत अच्छा लगा जब मैंने इनसे चर्चा की और पहले भी यहाँ हमने शौचालय का निर्माण कराया और आज इन्होंने उन पर कुछ परेशानियों से अवगत कराया जिसका हमें 5-7 दिन में निराकरण करवा दिया। यार रात्रि में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगता है, उसको लेकर किस तरह से देखें? मुझे बताया इन्होंने और यहाँ पर जो मैंने स्थिति देखी है तो रात को असामाजिक तत्व आकर ड्रग्स वगैरह का सेवन करते हैं। यहाँ पर खाली बोतल वगैरह मिली जो कि निंदनीय है और अच्छी बात भी नहीं है। उसके लिए जो इन्होंने सुझाव दिया और मुझे भी जमा कि यहाँ पे एक एक फर्शी ऊँची लगवा के और दीवार को ऊँचा उठाया जाए ताकि वो कूद के आ नहीं सके और ऊपर से थोड़ी उसकी सेफ्टी कर दी जाए, वो भी कार्य में करवा दी। क्या क्या सुधार यहाँ करवाने के लिए जो है आपने? मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वार्ड में इतना बढ़िया एक स्थान है जहाँ पर वरिष्ठ जन मिलते हैं और हमें भी सुखद एहसास होता है उनके साथ मिलके। उनके लिए जो जो यहाँ पर व्यवस्था उन्होंने बताई वो भी करूँगा और मैंने इनको अपना नंबर दिया है कि आगे कोई भी यहाँ पर असुविधा हो आप मुझे फ़ोन करें, आधी रात को फ़ोन करें, मैं हमेशा सहयोग के लिए वरिष्ठों के लिए तैयार हूँ। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।